हेलो मेरे प्यारे बंधु। तो दोस्तों फिर से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक एप्लीकेशन की मदद से आप HD थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप YouTube के लिए काम करते हैं या फिर आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप फ्रीलांसर करते हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, राइट साइड में 3 डॉट आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज साइज दिया हुआ है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रीसेट में आपको क्लिक करना है। प्रीसेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्वायर इमेज बना सकते हैं, कस्टम में कुछ भी आप डाल के बना सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए आप चैनल ऊपर में जो होता है बैनर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब थंबनेल के लिए कुछ, तो चलिए हम लोग को यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस ओके के बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आप कुछ इस तरह से यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ जाएगा। तो चलिए हम जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट करते हैं। इसको टैप करने के बाद आपको ऊपर में टॉप में आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ, प्लस के नीचे उसमें डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं ए, इसका क्या मतलब, यहां से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। कोई अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वहां से टेक्स्ट डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि कोई स्टिकर लगा सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ इम्पोर्ट करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में ड्रॉ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर शेप्स दिया हुआ है, एरो लगा सकते हैं, बेजर्स वैसे लाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट आप किस तरह की इमेज चाहते हैं, PNG में चाहते हैं, JPG में चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम लोग बैकग्राउंड कलर को जो चेंज कर सकते हैं। इमेज साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गैलरी से या कैमरा से। चलिए हम लोग को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो सिंपली कलर में क्लिक करना है। कलर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आ गए, एक कलर में है, एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यानी कि दो कलर एक साथ रहेगा। चलिए हम लोग सिंपली एक कलर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको कलर मिल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें। चलिए हम ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें सिंपली ओके प्रेस कर लेते हैं। ओके प्रेस करने के बाद चलिए हम लोग कुछ लिखते हैं अभी। तो चलिए हम टेक्स्ट में आते हैं, ए में क्लिक करेंगे, रिप्लाई में क्लिक करेंगे, इसको बीच में लेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ भी अब टाइप करते हैं, जैसे डिलीट किया हुआ फाइल कैसे लें। एक मिनट, डिलीट किया हुआ फाइल कैसे लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट में हम लोग आ गया है, इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद इसको घटा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप नीचे में देख सकते हैं कि बहुत सारा टूल्स खुल गए हैं, ये कहाँ पर रखना, पोजीशन कहाँ पर रखना चाहते हैं, बीच में कहाँ पर। उसके बाद यहाँ साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, इसकी मदद से साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ कलर चूज कर सकते हैं, ये कौन सा कलर में आप चाहते हैं इसे। चलिए मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अगर रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। टेक्सचर में कोई भी नो टेक्सचर यहाँ है टेक्स नहीं। उसके बाद आप फॉन्ट्स अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे डिफॉल्ट फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए ये वाला फॉन्ट्स हमको अच्छा लगता है तो ये वाला फॉन्ट्स लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल कर्व, और कर्व करना चाहते हैं तो कर्व कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रोक में आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना, फिर शेडो। इसमें क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़ा दें, उसके बाद इसको सेव कर लें, ओके कर लें। चलिए ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए बैकग्राउंड को हटा देते हैं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, बैकग्राउंड हटा देते हैं। इसको क्लिक करते हैं, डिलीट किया हुआ इसको बीच में लाते हैं। बीच में करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, ये जो आप देख रहे हैं लाइन में क्लिक करने के बाद ये बीच वाला करना है। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद डिलीट किया हुआ फाइल कैसे लाएं, ये हो गया। उसके बाद ऊपर में हम लोग लिखते हैं फिर एक टेक्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं फोटोज एंड वीडियोस रिकवरी। उसके बाद इसमें क्लिक कर देना। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, को इतना बड़ा करने के बाद फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में जाने के बाद फॉन्ट चूज कर लेते हैं, चलिए वाला फॉन्ट चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में जाने के बाद ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, उसके बाद ओके के प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको घटा बढ़ा सकते हैं, साइड इधर लेफ्ट साइड में घटाना तो लेफ्ट साइड इसको बढ़ाना, फिर ये राइट साइड और ये ऊपर की तरफ। उसके बाद इस तरह से इसको मैनेज कर लें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको साइड में ले लें। फिर यहाँ पर आप कुछ अगर लिखना चाहते हैं बस एक मिनटों में उसे भी लिख दें। हटाने के बाद यहाँ पर बस एक मिनटों में इसको यहाँ लाने के बाद इसको बड़ा कर लें, इसको छोटा कर लें, इसको थोड़ा छोटा करें, और इसको बीच में जाने के लिए रखने के लाइन में क्लिक करें। इसके बाद स्ट्रोक दें, उसके बाद शैडो लगा दें। देखिए कितना मस्त दिख रहा है, क्लिक किया हुआ फाइल कैसे रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग अपना थंबनेल बना लें। ये आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप चाहते हैं तो और अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। मैं आइडिया बता दिया हूँ कि आप किस तरह से थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ पर अगर एक दिन आप देंगे इसमें इस एप्लीकेशन में तो पूरी तरह से आप सीख जाएंगे आप किस तरह से आप थंबनेल को बना सकते हैं। मैंने इसी से थंबनेल बनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको बनाना। उसके बाद इसको सेव करने के लिए ऊपर में आप देख सकते हैं थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट इमेज में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव टू गैलरी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए।